वेलकम स्टूडेंट्स इन टुडेज वीडियो। आर टुडेज टॉपिक इज ट्रेड डिस्काउंट रिलेटेड जनरल एंट्रीज। ट्रेड डिस्काउंट का मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं, इसके बाद में हम इसकी थ्योरी और इससे रिलेटेड जनरल एंट्री को देखेंगे। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है, इसको हम जनरली बहुत लेमन लैंग्वेज में बाइंग डिस्काउंट बोल सकते हैं, और एक और मैंने इसको टर्म दिया है बार्गेनिंग डिस्काउंट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट्स में क्या मायने रखता है आपके। तो इसको मैं और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि किस तरह से बार्गेनिंग डिस्काउंट है या बाइंग डिस्काउंट है। मान लीजिए आपको कोई ऑनलाइन शूज आपको परचेज करना है, मान लो आजकल सभी ऑनलाइन स्टोर्स का यूज कर रहे हैं परचेजिंग करने के लिए। तो आपको शूज जब परचेज करने हैं, आप किसी ऑनलाइन स्टोर पे गए, मान लीजिए आप अमेजन पे गए या फ्लिपकार्ट पे गए आप, तो वहां पे मान लो किसी शूज का जो ब्रांड है जो आपको पसंद आया उसकी एमआरपी दी हुई है 1999, और आपने देखा होगा फिर वो ऑफर प्राइस भी साथ में रखते हैं कि इस समय जो ऑफर है व्हाट विल द प्राइस, तो वो प्राइस इस समय आपको है 1499। यानी वो बोल रहा है कि वैसे तो ये 1999 रुपए का है, लेकिन ऑफर प्राइस में आपको ये 1499 का पड़ेगा आपके। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर अगर आप करते हैं तो देखिए आपको एमआरपी 1999 के बदले में आपको 1499 रुपए ही देने हैं, तो सीधे सीधे आपको 500 रुपए का फायदा हो रहा है आपको। तो ये जो 500 रुपए का फायदा है, ये 500 रुपए का फायदा ही आपका क्या खिलाता है, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट खिलाता है। देखिए जब भी आप इस तरह के ऑफर्स को आप यूज कर रहे हैं, आप परचेजिंग कर रहे हैं, तो सीधा सीधा देखिए ये जो आपको डिस्काउंट मिलता है, ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में यही आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है आपके। अब देखिए आजकल तो ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से मैंने बता दिया कि ऑनलाइन के अंदर जो एक प्राइस एमआरपी है, जो ऑफर प्राइस है, दोनों के बीच का जो है इसको आप ट्रेड डिस्काउंट मानते हैं। ऑफलाइन जब आप परचेजिंग करने जाते हैं, जब आप खुद जाते हैं मार्केट में, तो वहां पे भी ये डिस्काउंट किस तरह से आप लेते हैं उसको मैं इसी एग्जांपल से बता देता हूं आपको। देखिए मान लीजिए आप किसी शूज के शोरूम पे गए आप, और वहां पे ये शोरूम पे आपको ये शूज 1900 का आपको उस शॉप पे ये शूज आपको प्राइस बताई गई। फिर नॉर्मली होता क्या है, देखिए हो सकता है 1999 रुपीज उसको पूरे दे दें, पर जनरली क्या करता है कस्टमर, थोड़ी बार्गेन करता है कि भाई अगर इसमें से शॉपकीपर अगर थोड़ा बहुत पैसा कम कर दे। तो मान लो आपने बार्गेनिंग करके, सपोज करो बार्गेन करने के कारण आपको ये उसने 1499 का ऑफर किया कि चलिए ठीक है आपको हम इस प्राइस में दे रहे हैं। तो देखिए यहां पे भी आपने 500 रुपए आपने कम करवा लिए। किस वजह से कम करा लिए, आपने बार्गेनिंग पावर का यूज किया आपने, और ये बार्गेनिंग डिस्काउंट हो गया कि उसने बातों ही बातों में आपसे 500 रुपए कम कर दिए। तो ये भी आपका क्या कहलाता है, आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, और इस ट्रेड डिस्काउंट की आपको कोई एंट्री नहीं करनी होती है अकाउंट्स के बुक में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है क्योंकि ये बार्गेनिंग डिस्काउंट है। हम बार्गेनिंग अमाउंट के हम कोई आपको जो है बेनिफिट नहीं मिलता है अकाउंट्स के अंदर, ऐसा बेनिफिट मतलब उसके नाम से कोई अकाउंट आप नहीं खोलते। तो आपका जो बिल बनाएगा, देखिए शॉपकीपर वो कितने का बिल बनाएगा आपके, वो क्या आपका 1999 का बिल बनाएगा या 1499 का बिल बनाएगा। देखिए सीधी सी बात है, आपका जो प्राइस तय हुई है वो दोनों की सहमति से 1499 की तय हुई है, तो यही आपका परचेज बिल बनेगा। और जिस अमाउंट का बिल बनता है, देखिए अकाउंट्स में एंट्री हम बिल के बेसिस पे करते हैं, तो जब 1499 का बिल बन रहा है तो आप एंट्री भी 1499 की ही करेंगे। आप इस ट्रेड डिस्काउंट की ऑफिशियल एंट्री नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट के नाम से कोई अकाउंट आपको नहीं खोलना होता है आपको। तो इसको आपको ध्यान रखना है जब आपकी जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा, तो आपके क्वेश्चन में नॉर्मली जो मैंने एमआरपी लिखा है उसके लिए लिस्ट प्राइस शब्द नॉर्मली यूज होता है। देखिए मैं एमआरपी भी आ सकता है या लिस्ट प्राइस जनरली आता है उसके लिए, उस लिस्ट प्राइस पे आपको ट्रेड डिस्काउंट का नॉर्मली एक परसेंटेज देता है, तो उस परसेंटेज को आपको अमाउंट में कन्वर्ट कर देना होता है। उस लिस्ट प्राइस में से जब आप वो ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे तो फिर जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपका परचेज होता है या सेल्स होता है।
या अगर परचेज रिटर्न का इक्वेशन है या सेल्स रिटर्न की इक्वेशन है, तो ये वो चीज मानी जाती है जो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आएगी। तो बस ये चीज आपको फिर याद रखनी है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि लिस्ट प्राइस में से हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट आएगा वो आपकी परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न होती है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं इक्वेशन को रखूं उसमें, तो देखिए आपके लिस्ट प्राइस जो इस क्वेश्चन में है वो 1999 का है, ट्रेड डिस्काउंट जो है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है देखिए उसने 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है, तो आपकी जो परचेज हुई यानी जो बिल बना आपके वो 1499 का हुआ। तो जब हम परचेज की एंट्री करेंगे तो हम 1499 की ही एंट्री करेंगे, हम ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर हम ऑफिशियली ट्रेड डिस्काउंट के नाम से कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। तो ये आपके एक पूरा मैंने ओवरव्यू दिया है ट्रेड डिस्काउंट का, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये बाइंग डिस्काउंट है या बार्गेनिंग डिस्काउंट है। कस्टमर माल को बहुत ज्यादा तादाद में ले, अच्छी क्वांटिटी में ले, उसको परचेज के करने के मोटिवेशन के लिए ये डिस्काउंट दिया जाता है। तो आई होप आपको ये इसका ओवरव्यू अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। तो डिस्काउंट की जो डेफिनेशन है, देखिए, इट इज ए रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। इट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट और बाइंग डिस्काउंट, सेकंड कैश डिस्काउंट और पेमेंट डिस्काउंट। देखिए हम डिस्काउंट की डेफिनेशन पहले भी देख चुके हैं, डिस्काउंट की जो डेफिनेशन थी वही मैंने यहां पे रिपीट करी है कि ये एक रिबेट या अलाउंस है जो सेलर की तरफ से बायर को दिया जाता है। ये नॉर्मली दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि बाइंग डिस्काउंट है आपका, और एक डिस्काउंट और होता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज कैश डिस्काउंट। इसको नॉर्मली पेमेंट डिस्काउंट कहा जाता है आपके। तो ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम ट्रेड डिस्काउंट पे ही फोकस कर रहे हैं, तो उसी को हम स्टडी करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट, देखिए, दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। देखिए ये डिस्काउंट नॉर्मली जो होलसेलर होते हैं, जो दुकानदार होता है, बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे तो नॉर्मली जो रिटेलर बोलते हैं बिजनेसमैन को, जो एंड कस्टमर्स को माल बेचते हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, बल्क बाइंग को मोटिवेट करने के लिए जो एक प्राइस होती है गुड्स की उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज वो लगा करके ये डिस्काउंट देते हैं। तो इसके क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है देखिए, इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क आई लार्ज क्वांटिटी, जो मैंने बताया आपको, ये जो आपके छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो जब होलसेलर से माल खरीदते हैं तो होलसेलर जो रिटेलर को कि भाई अच्छी क्वांटिटी में माल परचेज करें उसको मोटिवेशन करने के लिए देता है नॉर्मली ये। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन सिंस इट इज रिलेटेड टू द परचेज ऑब्लिक सेल्स एंड नॉट टू द पेमेंट। देखिए ये जो डिस्काउंट है ये बाइंग डिस्काउंट है, मैंने ऊपर भी लिख दिया है कि ये बाइंग को मोटिवेट करने के लिए करा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा माल कस्टमर खरीदे। तो इसका पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, पेमेंट नॉर्मली कैश डिस्काउंट पे होता है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा माल कब खरीदेगा, जब वो आप उसको अच्छे से अच्छा डिस्काउंट ऑफर करोगे आप। तो ये बाइंग जो है, बाइंग परसेप्शन जो है कस्टमर का उसको मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट इज नो सेपरेट एंट्रीज पास फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। देखिए मैंने इसको बोल्ड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ट्रेड डिस्काउंट के नाम से कोई ऑफिशियल एंट्री नहीं करनी होती है। एंड लास्ट पॉइंट, If the goods purchased sold at trade discount are returned, the amount of trade discount is again deducted from the list price of the returned goods. देखिए जब आप किसी गुड्स को परचेज या सेल्स लिस्ट प्राइस पे करते हैं और आगे जाकर के वो गुड्स रिटर्न हो जाता है, यानी वो परचेज रिटर्न हो जाती है या सेल्स रिटर्न हो जाती है, लिस्ट प्राइस पे ही दिया हुआ है आपको कि लिस्ट प्राइस पे आपने खरीदा था और लिस्ट प्राइस पे ही आपने मान लो रिटर्न किया है, तो ध्यान देना जब आप रिटर्न की एंट्री करोगे उसमें भी आप लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट लेस करके एंट्री करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि जब आपने परचेज किया था तो परचेज की एंट्री भी आपने लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट का अमाउंट लेस करके की थी। तो जब आप रिटर्न करोगे तो सेम प्रोसीजर आपको अपनाना होता है रिटर्न करते वक्त। तो ये लास्ट के जो दो रूल हैं जो बोल्ड करे हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अब हम इस थ्योरेटिकल जो मैंने आपको व्यू दिया है इसी को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि जनरल एंट्री हम किस तरह से करेंगे। देखिए एक ट्रांजेक्शन है जो मैं ले रहा हूं,
परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए कुछ इसी तरह से लाइन आएगी आपके जर्नल एंट्री के अंदर कि या तो कोई परचेज होगा या सेल्स होगी, लिस्ट प्राइस देके रखेगा और आपको इस तरह से लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब जो उसका मूल्य है वैसे तो कीमत उसकी 1 लाख रुपए है लेकिन उसमें से 10% कम करके दिया जाएगा आपके। तो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था देखिए वो याद रखना है आपको, जो लिस्ट प्राइस होगी उसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है और ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद में जो अमाउंट आता है वो आपका परचेज या सेल्स होती है या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए जो आपके लिस्ट प्राइस है वो 1 लाख है और इस 1 लाख पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो हमें 10% को पहले अमाउंट में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 लाख का 10% आपका 10,000 हुआ, यानी ट्रेड डिस्काउंट आपका 10,000 हो गया। अब ऊपर फॉर्मूले में आप देखिए प्लेस करेंगे तो लिस्ट प्राइस 1 लाख है, 1 लाख में से आप ट्रेड डिस्काउंट 10,000 लेस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर हुआ वो आपका 90,000 हुआ। अभी 90,000 क्या माना जाएगा, आपके क्वेश्चन में परचेज किया आपने तो ये परचेज आपके इस इक्वेशन में 90,000 की परचेज होगी। अब इसकी जब आप जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट देखिए बना लिया हमने। अब इसके अंदर देखिए परचेज आपको पता है जब परचेज आप करते हैं तो हमेशा डेबिट होती है, तो परचेज अकाउंट डीआर देखिए, अब मैंने यहां पे 90,000 लिखा है, 1 लाख नहीं लिखा है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट था 10%, वो 10,000 रुपए लेस करके अब मैंने नेट अमाउंट लिखा है 90,000। अब आपने ये चूंकि और कुछ भी लिखा हुआ नहीं, तो यानी आपने कैश में खरीदा तो टू कैश अकाउंट 90,000, फिर आप इसकी नरेशन कर देंगे बींग गुड्स परचेज और ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब देखिए इसके अंदर आपने कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट नहीं खोला है आपने, तो जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि नो एंट्रीज पास फॉर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के नाम से कोई एंट्री नहीं होती है, वो इस तरह से वर्किंग नोट में हम उसका सीधा अमाउंट कम करके नेट जो आपका बिल बनता है, नेट बिल आपका 90,000 का बना है, उस 90,000 पे ही हम एंट्री करेंगे। आइए नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 80,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए अब आपने यहाँ पे माल बेचा है, अब देखिए रमेश का नाम आ रहा है तो जो जनरल एंट्री का रूल है अगर नाम आ जाता है और कैश वर्ड नहीं है तो उसे उधार का ट्रांजेक्शन माना जाता है, तो ये क्रेडिट सेल का ट्रांजेक्शन है आपके। तो यहाँ पे भी हम देखिए ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं, 80,000 की सेल्स है, इस पे 5% का ट्रेड डिस्काउंट है तो ये 4,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब एज पर जो फॉर्मूला है हमारा, अब चूंकि सेल्स का अमाउंट निकालना है हमें तो इस 80,000 में से अब आप 4,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट वो लेस कर देंगे तो ये 76,000 हुआ, ये आपकी सेल्स हुई, यानी आप जो एंट्री करोगे सेल्स की वो 76,000 से करेंगे। तो आइए एंट्री प्लेस कर देते हैं हम। देखिए आप सभी को पता है सेल्स जब भी आप करते हैं तो आपको क्रेडिट करना होता है, तो टू सेल्स अकाउंट 76,000। अब यहाँ पे उधार है, उधार के अंदर हम सामने वाले व्यक्ति का नाम लिखते हैं जो भी दिया हुआ है, तो रमेश अकाउंट डीआर 76,000 टू सेल्स अकाउंट 76,000 बींग गुड सोल्ड टू रमेश, और ये आप नरेशन को फिर अंडरलाइन कर लेंगे आप। तो इस तरह से ये देखिए आपका जैसे परचेज किया था वैसे के वैसे यहाँ पे सेल्स की लाइन बनाई है मैंने। ध्यान दीजिए यहाँ पे भी नेट अमाउंट से एंट्री करी है, वैसे तो सेल्स 80,000 की थी लेकिन ट्रेड डिस्काउंट लेस करके नेट अमाउंट से हमें एंट्री करनी होती है। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। गुड्स रिटर्न बाय रमेश ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 10,000। देखिए अब ये ध्यान से समझ लेना, देखिए आपने रमेश को माल बेचा था 5 तारीख को, अब रमेश उस 5 तारीख के माल में से 10,000 रुपए लिस्ट प्राइस का माल लौटा रहा है। ध्यान दीजिएगा देखिए आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो रिटर्न की इक्वेशन है, वो लिस्ट प्राइस पे है कि लिस्ट प्राइस का 10,000 का माल लौटा है, पर ध्यान दीजिए आपने लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो यहाँ पे जब रिटर्न होगा तो उस रिटर्न में भी आपको जो लिस्ट प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट ऑटोमेटिकली लेस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, स्टिल ये इसमें इंक्लूडेड है, ये इसमें हिडन है कि भाई जब लिस्ट प्राइस पे आपको माल बेचा गया था और आप जब वो माल लौटा रहे हो तो वो लिस्ट प्राइस में से ही लेस होकर आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ये एक सिनोनिम्स है यहाँ पे, ये एक सिनोनिम इक्वेशन है कि भाई जो रूल वहां पे एप्लीकेबल हुआ था सेल्स करते हुए वही सेल्स रिटर्न पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भले ही लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी आप 5% का ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे लेस करेंगे, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे सीधा 10,000 से एंट्री कर देते हैं, भाई ऊपर भी तो क्या आपने पूरे 80,000 से एंट्री करी थी क्या? आपने 80,000 से एंट्री नहीं की थी, लिस्ट प्राइस 80,000 थी, उसमें से 5% लेस करके 76,000 पे एंट्री करिए। तो सेम यहाँ पे भी आप लिस्ट प्राइस 10,000 पे एंट्री नहीं करोगे, ये लिस्ट प्राइस अप्रैल 5 से रिलेटेड है, उस सेल से रिलेटेड है जिसपे 5% का ट्रेड डिस्काउंट था। तो इस थर्ड इक्वेशन में भी आइए ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं अपन। देखिए 10,000 का 5% 500 रुपीज हुआ, तो इस 10,000 में से अब आप 500 लेस करेंगे तो 9,500 से आप एंट्री करेंगे और ये सेल्स रिटर्न खिलाएगा क्योंकि इक्वेशन आपके सेल्स रिटर्न की है आपके। तो सेल्स रिटर्न को देखो आपको हमेशा डेबिट करना होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया 9,500। अब आपको किसने रिटर्न करा है? टू रमेश अकाउंट 9,500, आप नरेशन कर देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रमेश। तो देखिए ये आज मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड जो जनरल एंट्री थी उसका एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया था,
उसके बारे में मैंने आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी बताया और प्रैक्टिकल एंट्री भी मैंने आपको करके बताई कि ट्रेड डिस्काउंट की जो इक्वेशन है, चाहे वो परचेज की हो, चाहे वो सेल्स की हो, या आपके सेल्स रिटर्न की इक्वेशन हो, किस तरह से आपको इक्वेशन को समझना है, अमाउंट निकालना है और किस तरह से फिर उसको जर्नल एंट्री में आपको फ्रेम करना है। तो आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा और आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे। Thank you for watching the video.